शहीद सीआरपीएफ जवान संजय कुमार सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव तरेगना मठ यहां पहुंच चुका है और आप उनके गांव के ये तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरीके से ऐसा लगता है हज़ारों की संख्या में जो है वो यहां पर जन सैलाब उमड़ गया है अंतिम दर्शन करने के लिए संजय कुमार सिन्हा के और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी शव यात्रा में हज़ारों हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से बलिदान दिया है संजय कुमार सिन्हा ने उस पे पूरे देशवासियों को गर्व है। और रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री आप देख सकते होंगे उसी वाहन पर खड़े हैं, तिरंगा उनके हाथ में है जिस पर संजय कुमार सिन्हा का पार्थिव शरीर है। और इस अंतिम यात्रा में उनके पूरा ऐसा लगता है देश उनके साथ है, पूरा गांव, पूरा जो इलाका है सब यहां निकल चुका है। और ये देखिए कितना, ये देख सकते हैं तिरंगा, भारत का तिरंगा, लंबा सा तिरंगा यहां पर है और अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं संजय कुमार सिन्हा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ और उसमें संजय कुमार सिन्हा ने शहादत हासिल की उसको आज पूरा देश जो है वो सलाम कर रहा है। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में बिहार के दो लाल भी शहीद हो गए, रतन ठाकुर और संजय कुमार सिन्हा। रतन ठाकुर भागलपुर के रहने वाले थे और संजय सिन्हा पटना ही के पास मसौढ़ी के रहने वाले थे और उनका पार्थिव शरीर अब इस वक्त हम देख सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे लाया जा चुका है जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसके बाद इन दोनों के पार्थिव शरीर को पहले भागलपुर और मसौढ़ी ले जाया जाएगा, रतन कुमार ठाकुर के पार्थिव शरीर को भागलपुर और उसके बाद संजय सिन्हा के पार्थिव शरीर को मसौढ़ी ले जाया जाएगा जिसके बाद उनका वहां पर अंतिम संस्कार होगा। और यहां हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि कई दिग्गज नेता जो यहां पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर आए हुए हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव और इन सभी लोगों ने यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर ही श्रद्धांजलि दी जा रही है इन दोनों शहीदों को, बिहार के सपूतों को। और जिसके बाद फिर इनके गणतव्य स्थल पे इनके पार्थिव शरीर को भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें कई सीआरपीएफ बहादुर सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई है उससे पूरा का पूरा देश जो है वो सदमे में है। लेकिन मांग हमेशा उठ रही है बार बार यही कि बदला लेने की ज़रूरत है। जो लोग परिवार वालों से हमने बात की है वो चाहते हैं सरकार कार्रवाई करे इन आतंकवादियों के खिलाफ जो इस तरीके की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके खिलाफ कई जो उनके फंडिंग के मामले में पकड़े गए, लेकिन हाँ सुरक्षा लेकर देश के खिलाफ अलगाववाद की आग लगाना ये भी कितना उचित है, उचित स्तर में इसका निर्णय होगा। आपको लगता है वापस लेना चाहिए हुर्रियत की सुरक्षा, हुर्रियत की? अब इस मामले में गृहमंत्री जी बोल चुके हैं, ठीक है, अब केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश खड़ा है और खड़ा रहेगा।